हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेकी एस के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G में यहाँ पर ऑटो स्क्रीन ऑफ टाइमिंग कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी डिस्प्ले की, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी स्क्रीन टाइम आउट की, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप 15 सेकंड से लेके 30 मिनट तक की टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको जो भी टाइमिंग सेट करनी हो आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है, तो वो टाइमिंग सेट हो जाएगी। चलिए मैं यहाँ पे 2 मिनट की टाइमिंग सेट कर लेती हूँ। ये मैंने 2 मिनट्स पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि 2 मिनट की टाइमिंग सेट हो चुकी है। और दोस्तों ठीक 2 मिनट के बाद मेरे फ़ोन की स्क्रीन अपने आप ही बंद हो जाएगी, यानी कि ऑफ हो जाएगी। तो ऐसे दोस्तों आप अपने फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G में ऑटो स्क्रीन ऑफ टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं।